एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल नहीं किया था, खड़े खड़े खेल रहे हैं बैट्समैन राकेश बोकड़े। और इस बार हवा में है गेंद, कॉटन बोल्ड किया है यहां पर, बोकड़े आउट होकर वापस किए गेंद। एरियल व्यू आप देख रहे हैं जायंट स्क्रीन पर, कितना मनोहारी दृश्य। लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन, अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन मिला बैट्समैन को। प्रियेश पटेल ने गेंद को रोका था। और इस बार लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास किया था, दोनों पैर के बीच में से निकली थी ये गेंद। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 54 गेंदों में 72 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट अब 8 रन प्रति ओवर हो चुका है। पटेल की एक गेंद को घूमकर मारा है, वहां पर हमारे कैमरामैन घोघारी घायल हुए हैं, हल्की सी चोट जरूर आई है लेकिन उन्होंने कैमरे को नहीं छोड़ा। कैमरे की कीमत समझते हैं घोघारी। पटेल पवेलियन छोर से, शैलेश भाई ने खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन के लिए हल्के हल्के कदमों के साथ सामने वाले छोर पर। आसमान छूता हुआ धर्मनंदन डायमंड्स का ये बलून नई ऊंचाइयां सर करने की प्रेरणा देता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर कवर किया स्टंप को, जाने दिया महर्षि पारेख ने। और इस बलून के बिल्कुल पास में हमारे कैमरामैन हरेश भाई। कितना विहंगम दृश्य। और इस बार गेंद को डीप फाइव लेग बाउंड्री की तरफ, एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। This your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 baby, come give me your. So, 7th over in progress, 26 for the loss of 3 wickets. महर्षि पारेख मूव्स ऑन 6। और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया, डीप मिड ऑन से गए, फील्डर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 1 रन। महर्षि पारेख पहुंचे 9 पर। सात ओवर की समाप्ति पर वॉरियर्स का स्कोर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन रेट चल रहा है 4.14, रिक्वायर्ड रन रेट 7.88, यानी कि 48 गेंदों में 63 रन चाहिए मैच जीतने के लिए।
गेंदबाजी में परिवर्तन, राहुल पटेल को लाया गया है पवेलियन छोर से, और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जाएगी। हमारा कमेंट्री बॉक्स आपके जायंट स्क्रीन पर नजर आता हुआ, इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया था बॉलर के ठीक सामने, फॉलो थ्रू में बहुत ही सुंदर फील्डिंग, कोई रन नहीं। ड्रॉन कैमरा ठंडी हवा का भी एहसास कराता हुआ, और इस बार पारेख ने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई लेकिन फील्डर को नहीं पहचान पाए। बहुत ही बढ़िया कैच डिप हर्षिल ने लिया था। भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई। आगे का आखिरी ख्याल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे मेरे साथी सुनील पटेल, हमारे साउंड सिस्टम नेशनल के साथ। थैंक यू रमेश भाई। और इस बार ऑफ साउंड से टप्पा खाने के बाद अपील जोरदार उत्साह में जा रहा है। बेहतरीन गेंद, कॉट बिहाइंड, कॉट रॉबिन मेहता, बॉल राहुल पटेल, दूसरी सफलता लगातार दो गेंदों पर दो विकेट हासिल करते हुए, और राहुल पटेल इज ऑन हैट्रिक। नए बल्लेबाज आए हैं कप्तान जयेश टेलर। उनकी जगह आए हैं नए बल्लेबाज पीयूष भाई पटेल, आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए आइकॉन प्लेयर के रूप में, और विपुल काका भी फील्ड पर मौजूद, यहां पर कवर पोजीशन पर खड़े हुए विपुल काका नॉन स्ट्राइक पर। शैलेश भाई घोटी, राहुल पटेल इस गेंद को फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर मौजूद प्रवीण पटेल जब तक उसे फील करते, एक रन से खाता खोलते हुए पीयूष भाई पटेल। और इसी गेंद को पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए शैलेश भाई खुद फॉलो थ्रो में उसे फील किया, राहुल ने वापस बॉलिंग लाइन पर जाते हुए, स्कोर अभी भी रुका हुआ 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 8वां ओवर प्रगति पर। अपील जरूर, कोई प्रभाव नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स का स्कोर
वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस मैच में स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 91 रन बनाए 15 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर, और जीतने के लिए 92 रनों का टारगेट रखा वॉरियर्स को। वॉरियर्स की आधी टीम पेवेलियन में जा चुकी है 30 रन पर 5 विकेट, 30 लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 8 ओवर्स। सारे खिलाड़ी और प्लेयर जलपान करते हुए इसके बाद जो मैच खेला जाएगा टाइटंस वर्सेस किंग्स, आज के दिन का तीसरा मैच। दोनों के कप्तानों को मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आए अपने 12 प्लेयरों की सूची लेकर। टाइटंस वर्सेस किंग्स, छोर बदलता हुआ अब रेलवे एन से गेंदबाजी का भार संभालते हुए धर्मेश रावल। फुल टॉस गेंद की उसे फ्लिप कर दिया, गेंद जाती हुई फ्लाई स्लिप पर हल्की सी मिसफील, उसी बीच लंबे कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए पीयूष भाई, और स्ट्राइक पर आए हैं शैलेश भाई पटेल। और इस बार रिवर्स स्वीप कराने की कोशिश वहां पर पूरी तरह से बीट होते हुए। आपने रिवर्स स्वीप खेला है तो व्हाइट बॉल निश्चित रूप से नहीं गिनी जाएगी। और इस बार बल्ले का अंदरून गिना लेती हुई गेंद विकेट कीपर रॉबिन के पास उसे फील किया गया, हल्की सी चोट लगती हुई रॉबिन को। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को कट कर दिया, वहां पर डिप कवर पर फील्डर मौजूद सवानी जब तक उसे फील करते, एक रन शैलेश भाई के खाते में जोड़ चुका। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 32। इस बार गेंद हवा में जरूर, फील्डर से काफी दूर, सवाने जब तक उसे फील करते, एक रन पूरा करते हुए। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा टाइटंस वर्सेस किंग्स के बीच, दोनों ही कप्तान यहां पर हमारे बीच मौजूद। और यहां पर टॉस करवाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जयेश काका को। जयेश काका आए यहां पर टॉस करवाए दोनों कप्तानों के बीच में। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा,
और इस बार कलाइयों के सहारे ऑन साइड की ओर धकेलते हुए पीयूष भाई स्क्वेयर लेग क्षेत्र पर सवानी वहां पर मौजूद चौकन ने, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 38 रन। जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 9.26 की औसत से रन बनाने होंगे और करंट रन रेट चलता हुआ 4.18। और इस बार खेल दिया वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, हल्के से मिस फील्ड, एक रन पूरा करते हुए यहां पर टॉस हो रहा है अगले मैच का। जयेश काका टॉस करवा रहे हैं दोनों कप्तानों के बीच। हमारे यहाँ उपस्थित सारे मेहमानगण जो कि यहाँ पर पधारे हैं, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप भोजन के लिए जा सकते हैं। हमारे मेहमान श्री जो गेस्ट पेवलियन में बैठे हुए हैं। और इस बार रिवर्स स्वीप खेल दिया, गेंद सीधी, फ्लाई स्लीपर फील्डर मौजूद, तब तक एक रन भागकर पूरा कर चुके थे। गेंद हवा में जरूर थी, फील्डर से काफी दूर, सवानी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चौकर ने आधी से ज्यादा फील्डिंग सवानी के द्वारा की गई यहां पर। आमंत्रित मेहमान और बेहतरीन कैच वहां पर, खूबसूरत हमारे यहां उपस्थित गेस्ट पेवेलियन और फैमिली पेवेलियन में बैठे हुए आमंत्रित मेहमान, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भोजन के लिए भजन कक्ष में जा सकते हैं, प्लीज, थैंक यू। पीयूष भाई पटेल आउट होकर वापस पेवलियन की ओर, 11 रन बनाकर और उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं, कप्तान आए हैं जयेश टेलर। 10 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स का स्कोर। पूरी तरह से स्टार्स के गेंदबाजों ने दबाव बना के रखा है वॉरियर्स के प्लेयर्स के ऊपर, रन बनाने का मौका नहीं देते हुए, अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए, लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी होती हुई यहां पर। जीतने के लिए 92 रनों का लक्ष्य रखा है। अभी भी क्रीज पर मौजूद शैलेश भाई गोटी जो 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, और उनका साथ देने के लिए अभी अभी आए हैं कप्तान जयेश टेलर। फील्डिंग में थोड़ी तब्दील करते हुए विपुल काका को पॉइंट पोजीशन पर खड़ा किया है। और इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ना की चाहते थे वहां पर, सीधे विकेट कीपर पर जाती हुई गेंद, कोई रन नहीं। धर्मेश रावल अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए रेलवे एंड से, और पहाड़ी की ओर से 11वां ओवर। और इस बार रिवर्स स्वीप वहां पर, लेकिन शॉर्ट टर्मिनल पर फील्डर मौजूद योगेश सोलर है, तब तक उसे फील करते बहुत तेजी के साथ एक रन पूरा करते हुए शैलेश भाई। और इस बार
जयेश ने खेल दिया पॉइंट इस समय हल्के से मिस फील्ड, एक रन पूरा करते हुए दूसरा रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं। इसी के साथ दो रन के साथ खाता खुलता हुआ जयेश का और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 50 रन पूरे वॉरियर्स के। ऑप्शन बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद को ड्राइव कराने की कोशिश सीधे विकेट कीपर के हाथों में। धर्मेश रावल अच्छी लाइन टू लाइन से गेंदबाजी करते हुए वापस गेंदबाजी पर जाते हुए धर्मेश सामना करेंगे जयेश। फिर से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद पैर में लगी हल्की सी अपील, उत्साह में थोड़ी ज्यादा विश्वास में कम थी इस अपील में। और इस बार ऑप्शन से बाहर की गेंद को एक कदम आगे बढ़ाया खेलने का प्रयास सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ उसके बाद मैच तीसरा मुकाबला टाइटंस वर्सेस किंग्स के बीच। किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और इस बीच पावर प्ले लिया गया है, बैटिंग पावर प्ले यानी कि दो ओवर पावर प्ले की रहेगी। ऑप्शन से बाहर की गेंद को कट कराने की कोशिश सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रॉबिन मेहताब रेलवे लाइन से अपने कोठे का तीसरा ओवर लेते हुए अब तक दो ओवर किए 7 रन दिए 1 विकेट हासिल करते हुए रॉबिन। और इस बार फिर से ऑन साइड की ओर लपेटना चाहते थे शैलेश भाई, गति परिवर्तन की रॉबिन ने, चकमा देने में कामयाब। स्कोर अभी भी रुका हुआ 50 रन। और इस बार गेंद को खेल दिया है डीप विकेट क्षेत्र में सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
और इस बार फिर से गेंद को लपेट कर मारा है, गेंद जाती हुई दीप्स को एक बाउंड्री पर फील्डर सबसे फील करते, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा चुके थे 55 रन। शैलेश भाई गोटी अपने निजी स्कोर पर पहुंच चुके 18 रन पर खेलते हुए, 19 रन माफ कीजिएगा 19 रन के पर खेलते हुए और इस बार जयेश सेलन ने खेल दिया है गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। Mixed by DJ Manish. Exclusive DJ Manish. Mixed by DJ Manish. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो कहो। इस तरह की आउट होने के बाद उनके स्थान पर नए बल्लेबाज आए हैं, डेनिस जरीवाला। जरीवाला यूनिवर्सिटी के जाने माने ऑलराउंडर डेनिस जरीवाला सामना करेंगे रॉबिन मेहता का। और इस बार खेला था का प्रयास, वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर सवानी ने उसे फील किया, रन लेने की कोशिश वहां पर करना चाहते थे वापस अपने कदम मोड़ते हुए, और इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई। बारह ओवर की समाप्ति पर 55 रन 7 विकेट के नुकसान पर रेलवे एन से प्रवीण पटेल सामना करेंगे शैलेश भाई। वो यॉर्कर लेन गेंद करने की कोशिश, वहां पर स्वीप कर दिया, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन पूरा करेंगे। काफी दिलचस्प मैच होता हुआ यहां पर चलता हुआ ये मैच स्टार्स वर्सेस वॉरियर्स के बीच में, 17 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत। अगर वॉरियर्स को यह मैच जीतना हो तो 17 गेंदों पर 36 रन बनाने होंगे। प्रवीण पटेल की इस गेंद को आगे आगे खेलने की कोशिश, वहां पर बल्ले के बाहर ही किनारा, सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और एक और झटका लगता हुआ वॉरियर्स को। केवल 56 रन के स्कोर पर 8 विकेट गिर चुकी वॉरियर्स की, और यहां पर थोड़े से सेलिब्रेशन करते हुए योगेश सोरठिया रॉबिन मेहता के साथ डांस करते हुए प्रवीण पटेल को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। और इस बार आगे जगह बनाई, खेल दिया वहां पर शॉर्ट थर्ड में, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, कोई गुंजाइश नहीं थी रन की।
धीमी गति की गेंद, हवा में फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं वहां पर। नौवां विकेट का पतन होता हुआ। રસોડા વિભાગમાં હજી પણ જમવાનું ચાલુ છે, જે લોકોને હજી પણ જમવાનું બાકી હોય એ તુરંત રસોડા વિભાગમાં જાય પ્લીઝ, જમવા માટે જે કોઈને પણ હજી બાકી હોય તે તુરંત રસોડા વિભાગમાં પોતાનો પાસ લઈને જઈ શકે છે। નો વિકેટ ગિરતી હુઈ વોરિયર્સ કી, સબસે જ્યાદા રન બનાને વાલે બલ્લેબાજ શૈલેશભાઈ 20 रन बनाकर खेलते हुए नॉन स्ट्राइक पर, और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रतीक पटेल आए हैं। तीसरी सफलता मिलती हुई प्रवीण पटेल को। यहां पर रॉबिन मेहता ने फील्ड की सजावट की है, सिली पॉइंट पर भी फील्ड खड़ा किया है और इस बार गेंद को खेल दिया हवा में जरूर, लेकिन छोटे कट के खिलाड़ी जब तक उसे फील करते तब तक एक रन प्रतीक के खाते में जा चुका था। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 57, लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 13 ओवर इन प्रोग्रेस। और इस बार कलाइयों के सहारे फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद जाती हुई सीधी छोटे खिलाड़ी कट के खिलाड़ी के पास, उसे फील किया गया, एक रन। इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पर 58 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत, 12 गेंदों पर 34 रन, केवल एक विकेट शेष। सुमित पटेल आए हैं रेलवे एंड से अपने कोठे का 23रा ओवर लेते हुए, 2 ओवर कर चुके हैं, 2 ओवर 8 रन 1 विकेट मिलते हुआ, और 3रा ओवर सामना करेंगे शैलेश भाई गोटी। और इस बार खेलते हुए और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, उतनी ही अच्छी फील्ड, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। सहज के द्वारा इस टूर्नामेंट में डेब्यू करते हुए सहज पटेल, बहुत ही अच्छे फील्डर। फुल टॉस, गेंद आगे आगे उठाकर मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर रॉबिन मेहता के हाथों में जाता हुआ गेंद। सुमित पटेल की इस गेंद को खेलने का प्रयास, अगली गेंद फिर से फुल टॉस, गेंद हवा में, लेकिन लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में, और इस बार कोई गलती नहीं। इसी बीच वॉरियर्स की पारी की समाप्ति होती हुई, 32 रनों से ये मैच स्टार्स ने जीत लिया है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा विरन, अपना विरन है सबसे प्यारा।
પ્રવીણ પટેલ છે 6 રન છે એના, પ્રવીણ પટેલના 6 રન છે અને 3 વિકેટ છે, રાહુલ પટેલે 3 વિકેટ છે. રાહુલ પટેલના રન કેટલા છે આમાં? રાહુલ પટેલના 13 રન છે યાર, 3 વિકેટ તો રાહુલ પટેલ. બરાબર, રાહુલ પટેલના 13 રન છે અને 3 વિકેટ છે, 6 રન છે અને એની 3 વિકેટ છે. પ્રવીણ પટેલ 3 વિકેટ ના, 3 વિકેટ બે જ જણા છે, રાહુલ પટેલ અને પ્રવીણ પટેલ. બરાબર, પછી બની રોબિન મહેતા 2 વિકેટ છે, એના રન કેટલા છે? 8 રન નથી. બરાબર, બીજું વિકેટમાં કોણ છે? ધર્મેશ રાવલ છે, નથી વિકેટ એની. સુમિત પટેલની 2 વિકેટ છે, એના રન છે? નથી, 1 રન છે સુમિતના. સુમિતના 1 જ રન છે, તો રાહુલ પટેલ જ આવે. ઓકે, ચાલો ચાલો પેન લાવ. એ રાજુભાઈ, પેલી બોલ પેન ના પડો. આપી દઉં ને, કાઢી નાખો ને પેન, પછી આને મૂકી દેવાની પાછી. और यहां पर स्टार्स ने 32 रनों से ये मैच जीत लिया है. बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राहुल पटेल, जिन्होंने अपने बल्ले मैन ऑफ द मैच राहुल पटेल. जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए प्लीज. राहुल पटेल और मैं प्रकाश काका को इनवाइट करूंगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने हाथों से दे प्लीज. प्रकाश काका, आप अपने सुंदर हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इस नौजवान को दे, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को जीत दिलाई है. राहुल पटेल मैन ऑफ द मैच. प्रकाश काका के सुंदर हाथों से उन्हें नवाजा गया और पहले ही गेंद पर छक्का मारते हुए यहां पर गौतम और राहुल पटेल अपना मैन ऑफ द मैच इन 4 खिलाड़ियों के से प्रोवाइड करेंगे. सागर सालुंग के, महेश सालुंग के, उर्वेश और जयेश को, इन 4 प्लेयरों को अपना मैन ऑफ द मैच प्रोवाइड करेंगे राहुल पटेल. मिठाई वाला की इस गेंद को खेल लिया गौतम ने, बहुत ही बेहतरीन डीप विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका. रोहन पटेल और रौनक शर्मा कमेंट्री बॉक्स के पास आए प्लीज. रोहन पटेल और रौनक शर्मा. और इस बार गौतम बगासा ने खेल दिया वहां पर शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद चेतन राणा. बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गौतम वघासिया आए हैं इस बार ओपनिंग करते हुए अपनी टीम के लिए. मिठाई वाला किस गेंद को खेल दिया है वहां पर, गेंद सीधी और इस बार कोई गलती नहीं, धीमी गति की गेंद थी. तो
રોહન રોહન અને રોનક બે એમ્પાયર પર પોઝિશન પર જાઓ. એમ્પાયર એમ્પાયર ને જમવાનું સમય માટે એને જરાક રિલીઝ કરો પ્લીઝ. इस ओवर के बाद नए बल्लेबाज आए हैं आशीष परदेसी गौतम वघासिया जिन्होंने 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर जाते हुए पहला झटका लगता हुआ गौतम के रूप में मिठाई वालों को पहली सफलता मिलती हुई. पटकी हुई गेंद कट कराने की कोशिश वहां पर आशीष परदेसी के द्वारा. इस बीच ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन एक विकेट के नुकसान पर. पिछला मैच स्टार्स ने जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उनके कोच तुषार भाई चकलासिया यहां पर पूरी टीम का अभिवादन करते हुए उत्साह बढ़ाते हुए. रेलवे एन से प्रकाश राणा सामना करेंगे त्रिशूल मकवाना. पहली ही फुल टॉस गेंद थी वहां पर अंपायर का इशारा वाइड बॉल. एक रन मिलता हुआ यहां पर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आज के दिन का यह तीसरा मैच चलता हुआ ऑप्शन से बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास वहां पर त्रिशूल के द्वारा सीधे विकेट कीपर रितेश खामले के हाथों में. फिर से फुल टॉस काफी ज्यादा बाहर अंपायर का इशारा वाइड बॉल. अंपायर की सेवा देते हुए रोहन पटेल स्क्वायर लेग अंपायर रौनक शर्मा. और इस बार हल्के हाथों से पोस्ट किया वहां पर. कवर के फील्डर ने उसे फील किया कोई रन नहीं. और इस बार त्रिशूल मकवाना ने सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का. हमारे राजू प्रोग्रामर बता रहे हैं कि पिछला छक्का 99 मीटर लंबा छक्का लगाया था त्रिशूल ने. बेहतरीन छक्का इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन दूसरा ओवर प्रगति पर प्रकाश राणा के द्वारा. टॉस बना के खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर जब तक उसे फील करते. हल्के कदमों के साथ एक रन पूरा करते हुए त्रिशूल. पटकी हुई गेंद को लपेट कर मारने की कोशिश वहां पर परदेसी के द्वारा. हल्की सी अपील जरूर की थी विकेट कीपर रितेश कामले ने लेकिन रौनक शर्मा स्क्वायर लेग एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं. प्रकाश राणा फिर से तैयार. फ्लाइटेड गेंद लगातार फ्लाइट करते हुए. और इसी बीच ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति पर 19 रन एक विकेट के नुकसान पर किंग्स का स्कोर.
दर्शकों से खचाखच भरता हुआ ये डीडी स्पोर्ट्स सेंटर आनंद लेने के लिए सारे दर्शक बैठे हुए भोजन के बाद विश्राम करते हुए इस मैच का आनंद लेते हुए डीडी स्पोर्ट्स सेंटर पर तकरीबन 6,000 से भी ज्यादा प्रेक्षक की क्षमता यहां पर इस मैच का आनंद लेती हुई डीडी स्पोर्ट्स सेंटर पर। और आप इस मैच का आंखों देखा हाल भी YouTube के जरिए देख सकते हैं cric.ddpl.com पर। मिठाई वाला की इस गेंद को लपेट करवाने की कोशिश वहां पर पूरी तरह से बीट हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं। मिठाई वाला अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए और पार की ओर से तीसरा ओवर। ऑप्शन से बाहर के गेंद को कट किया वहां पर कवर पर फील्ड में मौजूद चेतन राणा बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए कोई रन नहीं। डॉट बॉल के रूप में यहां पर धीमी गति की गेंद व्हाइट बॉल का इशारा रोहन पटेल के द्वारा। हजी पण जे कोई दर्शक मित्रों ने खिलाड़ी मित्रों ने जमवानू बाकी होय ते तुरंत रसोड़ा विभाग में जाए प्लीज जमवानू चालू छे टूंक समय में रसोड़ू बंद करवामां आवशे। और इस बार ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास लगातार दूसरी व्हाइट बॉल मिठाई वाला की इस गेंद उठा के मारा है गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर अंपायर का इशारा छह रनों का खूबसूरत छक्का। मिठाई वाला की अगली गेंद रिसुल ने उसे खेलते हुए सीधे मेन विकेट के ऊपर से चार रनों के लिए। त्रिशूल मकवाना इज ऑन फायर दो छक्के और एक चौके की सहायता से 17 पर पहुंच चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से लपेट कर मारा है गेंद जाते हुए डीप स्वेलिंग बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी पहले गेंद 6-4-4 और टीम का स्कोर 35। मिठाई वाला रेलवे एन से तैयार सामना करेंगे त्रिशूल और इस बार फिर से लपेट कर मारने की कोशिश वहां पर एक बाउंस वहां पर अच्छी उतनी फील्डिंग करते हुए अंपायर का इशारा जाना चाहेंगे हम केवल एक रन के साथ निश्चित रूप से तीन रन बचाए बहुत ही सुंदर फील्डिंग। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई तीन ओवर की समाप्ति पर 36 रन एक विकेट के नुकसान पर।
पिछली गेंद पर त्रिशूल ने स्क्वायर लेग पर खेलते हुए देखा कि वहां पर फील्डर को तैनात किया गया है, गेंद को थोड़ी नीचे रखी, वन बाउंस खेला शॉट वहां पर, एक रन। और इसी एक रन के साथ त्रिशूल पहुंच चुके हैं 22 रन के स्कोर के ऊपर, दो चौके और दो शानदार छक्कों की सहायता से, और गेंदबाजी में तब्दील रेलवे एंड नॉन स्ट्राइक पर आशीष परदेसी। पहली ही गेंद ब्लॉकल में उसे पोस्ट कर दिया, बहुत तेजी के साथ एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज और पूरा करते हुए। प्रेक्षकों ने नमूना निवेदन छे, प्लीज बाउंड्री लाइन थोड़ा 2 फुट बाहर से बेस जो एकदम नजीक नहीं बेसता कि फील्डर ने फील्डिंग करते वक्त इंजरी नहीं थाय, एना माटे दरेके दरेक प्रेक्षकों ने विनंती मैच तमे जोवा बेसो त्यारे बाउंड्री लाइन थोड़ा 2-3 फुट दूर थी बेस जो, थैंक यू। फुल टॉस बनाकर खेला है गेंद, स्क्वायर लेग क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जब तक उसे फील करते। और उसी बेहतरीन शॉट वहां पर फाइनल बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस टूर्नामेंट में अब तक 282 चौके लग चुके हैं इस चौके के साथ।